आज सफाई करवानी पड़ेगी मुझे, प्लीज। मतलब मेरी कैप्टनशिप में मैं ये चाहती हूँ कि घर जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो। मैं ये चाह रही थी कि घर ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। जो भी गलती कर रहा है उस इंसान को हमें दंड देना पड़ेगा, बिकॉज डिसिप्लिन लाना है घर में। शार्दुल, तुम बहुत ज्यादा रूल ब्रेक कर रहे हो। आपने रूल बुक नहीं पढ़ी? आपको पता है ना कि अंदर नहीं जा सकते एक टाइम पे दो लोग? मुझे नहीं पता। तो फिर पता करिए, लड़कियों के साथ बैठ के बातें करने से अच्छा है रूल बुक पढ़िए। मैंने पूछा पवित्रा से। पवित्रा इज नॉट बिग बॉस। वो गलत कर रही है, वो गलत करवाएंगे आप, वो गलत करेंगे कि सही लोग साथ देंगे। ठीक है, हो गया। इट इज अ बिग ऑफ अ डील, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ बिग बॉस हाउस, दिस इज नॉट अ जोक। पहले ही दिन कविता ने गाड़ा अपने दबंग इरादों का झंडा। चलिए वहाँ चलिए, रूल ब्रेक मत करिए, बहस मत करिए। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से आप बहस कर रहे हैं यहाँ पे। आप बिग बॉस नहीं है, आप भी नहीं। मैं कैप्टन हूँ, चुपचाप चलिए वहाँ पे बैठिए। कविता, इस लहजे से प्लीज मेरे से बात मत करिए। मैं क्या करूँ आपके लिए, नागिन डांस करूँ यहाँ पे? आप अभी आई हैं, मुझे मत सिखाइएगा। तभी आप रेड जोन में। ऐसे लोगों को मैं अपने घर के बाहर खड़ा रखती हूँ। आई बड़ी